आज मैं क्लास लेने नहीं आया हूं, बल्कि आप लोगों से एक ऐसे छात्र पहले और अब जवान है ना, जवान देखिए ना, हाँ तो ये भी जवान है, तो एक साधारण सा छात्र जो ग्रामीण क्षेत्र से आए और केवल एक ही प्रयास में इन्होंने एसएससी जीडी में अपना चयन साबित किया, इनका पास आउट पीरियड हो चुका, अभी ये बीएसएफ में राजस्थान के बाड़मेर जो आपका भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है वहाँ ये अभी तैनात हो रहे हैं। नाम है चंदन किस, और बहुत कम समय में, और ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ने थे और बहुत ऊंचा भी तो नहीं, देख के बुला लेगा ऐसा भी तो नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में इन्होंने अपना रिजल्ट दिया, तो रिजल्ट देने के पीछे इनका अपना डेडिकेशन था कि हम पढ़कर क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वो इस तरह से आपको कई लोग मिलते रहेंगे आपको जो चयनित होकर अंतिम रूप से गए हैं, इसी साल पास आउट होके आए हैं और पहली छुट्टी के बाद मिलने आए हैं। अब आप इनसे थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि भाई तैयारी के क्या रास्ते हो सकते हैं, तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमने किन बातों का ध्यान दिया था और सिलेक्शन में क्या क्या सहयोग होता। आपसे 10 मिनट ये रूबरू होंगे तब आप लोग यहाँ से जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, जोहार, सभी कैसे हैं? हम भी ठीक है। आप में से कितने लोग अभी मतलब अभी फॉर्म निकला है शायद ना, अभी नोटिफिकेशन आया 2023 का जीडी का, कितने लोग भर रहे इसमें से आप लोग में से? सभी लगभग लगभग सभी भरते हैं, जब तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना भरे। तो ज्यादा कुछ तो हम कहना नहीं चाहेंगे, बस एक ये थोड़ा मतलब जो फॉर्म अगर फॉर्म भर रहे हैं इसके मतलब इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक रहे कि मतलब मन से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अगर मेहनत मेहनत से ही मतलब सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे नहीं कि हम फॉर्म भर दिए हैं बस और इधर उधर घूम रहे, इससे नहीं कुछ होने वाला है इससे, कि मतलब अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब कहीं से इधर उधर से बोल रहे हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वही चीज़ हम बता रहे हैं। कुछ मतलब आप लोग पूछना चाहेंगे हमसे कुछ ट्रेनिंग के बारे में या तो फिर कुछ ऐसे? मेरा हाइट है 162 सेंटीमीटर। तो मेरा मार्क कितना आया था? मार्क तो ज़्यादा नहीं आया था, हमने 2021 का फॉर्म था उसमें टोटल रहता था 100 मार्क्स का होता था, उसमें मेरा 57 मार्क्स था, 57 मैं बीएसएफ का लगभग कट ऑफ गया था 53 लगभग बीएसएफ का कट ऑफ गया था, बीएसएफ ही हमको मिला, और दूसरा मतलब प्रेफरेंस दूसरा दिए थे लेकिन पता नहीं क्या कारण से हमको बीएसएफ मिल गया, सियासी वगैरह 55 कट ऑफ गया था लेकिन किसी कारण से क्या हो गया 57 में भी मतलब हमको बीएसएफ मिल गया। फर्स्ट में तो हम रखे थे बढ़िया एसएसएफ रखे थे हम, फिर सियासी वैसे रखे थे, तो ऐसे कोई भी फोर्स बुरा नहीं है, पहला मतलब सबका लगभग ट्रेनिंग तो लगभग सेम होता है लेकिन जो थोड़ा सा तो सैलरी सेम, ट्रेनिंग सेम, मतलब लगभग सब चीज़ सेम ही होता है लगभग लगभग, ड्यूटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, अगर ड्यूटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है तो सैलरी में थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो आराम का ड्यूटी है तो उस हिसाब से आपको देगा और थोड़ा सा यह तो उस हिसाब से मिलेगा, मतलब लगभग कोई भी चीज़ मतलब आपको सोचें कि नहीं हमको सीएसएफ मिलेगा तभी ज्वाइन करेंगे ऐसा बात नहीं, कुछ भी मिलेगा तो मेरे तरफ से ज्वाइन कर लीजिए, कोई बुरा नहीं है। प्रिपरेशन देखिए प्रिपरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप कैसे सोच रहे हैं, मतलब आप कितना अपने मतलब के प्रति मतलब कितना है मतलब ये है लगन कितना है आपका मन में, करना है तो करना है, ये चीज़ जो जज्बा होना चाहिए वही डिपेंड करता है। जैसे पहले सुबह आप मान लीजिए सुबह आप मन बना लीजिए कि मान लो हम सुबह हमको 2 घंटा पढ़ना है, 4 बजे उठ के हमको 2 घंटा पढ़ना ही तो पढ़ना है, मान लो उस चीज़ को डेली फॉलो कीजिए, मान लीजिए सुबह आप 2 घंटा निकाल लिए कहीं से भी 2 घंटा पढ़ लिए, फिर शाम में 2 घंटा पढ़ लिए, वो आपका टाइम कोई नहीं छीन सकता उस टाइम को, ना ट्यूशन से छीन सकता है ना इधर से उधर कोई नहीं छीन सकता,
दोपहर का टाइम जो है आप हो सकता है कहीं जाना होगा, इधर जाना होगा हमको, उधर जाना होगा, नहीं जाना है तो उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, अगर जाना है तो चल गए। लेकिन आपका अगर उसमें चल भी गए तो सुबह वाला जो टाइम है और शाम वाला जो, वो तो टाइम आपके पास रहेगा ही रहेगा। फिर मतलब वो रूटीन एक ठो बना लीजिए, उसे आपको मतलब 4 घंटा ऐसे मतलब अलग से मिल जाएगा। तो दिन में आप ट्यूशन आते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाना होता है, तो अगर कहीं नहीं जा रहे तो उस वह ही है वो वाला टाइम, तो उसमें आप एकदम तैयारी कीजिए। कुछ मतलब ऐसे ट्रेनिंग के बारे में अगर कुछ पूछना है तो बहुत कुछ सोचते हैं कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है, क्या होता है, ये करना होगा, ये करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा आपका मन को जो है स्ट्रांग बनाना होगा, मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब ट्रेनिंग कुछ नहीं लगेगा। वो सोचते हैं कि नहीं ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, हम नहीं जाएंगे इसमें, फोर्स में नहीं जाएंगे, ये होता है वो होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है नेगेटिव, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो भी पता मतलब ऐसे बताया गया था कि नहीं बहुत हार्ड होता है, ये होगा वो होगा, लेकिन जाने के बाद हमको पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं लगा कि फील नहीं हुआ कि इसमें आ गए, गलती कर दी, ये कर दी, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। रनिंग वाले थे हम 18 मिनट 34 सेकंड में, हम 24 मिनट का रहता है, तो आप पर डिपेंड करता है कितना आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मतलब कंटिन्यू रहिए रनिंग, 1-2 महीने भी आपका आराम से रनिंग बन जाएगा, आराम से इजीली आप 20 मिनट से पहले आप मतलब कंप्लीट कर लेंगे। और ये मेरे अगर 23 मिनट मतलब 59 सेकंड में भी आप पहुँच जाते हैं तो आप तो जो 16-17 मिनट पहुँचा है ना उसके बराबर है, खाली क्वालिफाई करना है कल आपको। फिजिकल मेडिकल खाली क्वालिफाइंग है, मेन फोकस मतलब आपका ये है आप कितना मतलब यहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हैं, मेरिट रेट सब उसी से बनेगा। आप लोग को भी कुछ पूछना है तो ट्रेनिंग वेनिंग के बारे में, हम लोग जहाँ ट्रेनिंग किए उससे थोड़ा सा दूर में है, लड़की लोग का भी ट्रेनिंग होता था वहाँ, जीडी वाले लड़की लोग मरिया से है, मरिया मानिकपुर गांव में। नहीं ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही इस बार छुट्टी दिया हम लोग। क्या बोल रहे जीएस, तो जीएस देखिए जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसको मतलब जीएस में ऐसा चीज का पढ़ाई करने की कोशिश करो जो मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रीवियस ईयर में जो कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे उस हिसाब से तैयारी, क्योंकि जीएस खाली जीएस के पीछे पड़ जाने से मतलब ज्यादा ये नहीं मत कीजिए। मतलब मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी या इंग्लिश वो सब हो गया, वो सब है कि वो सब फिक्स आएगा ही आएगा इस टाइप का और पूछेगा ही पूछेगा। जीएस बहुत वास्ट है, तो मेन आप फोकस कीजिए करंट अफेयर। हम लोग का समय उसमें तो करंट अफेयर से मतलब 25 क्वेश्चन रहता था ना, उसमें से लगभग लगभग 9-10 हो तो करंट अफेयर से ही खाली क्वेश्चन आया था। तो करंट अफेयर हम सुबह सुबह फॉलो करते थे, डेली डेली मतलब क्लास करते थे उसका मतलब, और सर भी यहाँ आके ये डिस्कस करते थे, यहाँ करते ही होंगे सर, तो उस चीज़ को मतलब थोड़ा सा आप कॉपी पे में लिख के और उसको दिमाग में रखिए, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये के जी एस में। बाकी बात के तो 1-2 डाल देगा, जियोग्राफी 1-2 डाल देगा। मेरा 2021 ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग हमको भी बहुत कोई बताया कि बहुत हार्ड है, क्या है वो है ये है ना, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट बहुत मिलेगा आपको सुनने में, सुनने के लिए ठीक है, लेकिन कुछ घबराना वराना कुछ नहीं, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। मतलब आप एक तो दिमाग में ठान ले कि नहीं हमको करना है तो करना है, तो आपको कुछ नहीं लगेगा। प्लस मेन क्या है ना कि उठना पड़ेगा, मतलब डेली 1-2 दिन की बात नहीं है, डेली आपको सुबह उठना पड़ेगा, 4 बजे तक आपको रेडी होना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा काम में, मतलब अपना जो रूटीन वर्क है अपना काम और साथ साथ ट्रेनिंग, इतना मतलब अभी आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं ना उतना ही पढ़ाई वहाँ भी होता है। मतलब खाली ये नहीं कि आपको फिजिकली ट्रेनिंग, मेंटली भी मतलब आपको मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या बोल रहे हैं, सुबह उठने का है 4 बजे? हाँ 4 बजे तक मतलब रेडी हो जाते हैं।
ट्रेनिंग का पीरियड जो है बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि मन में नहीं ये करना है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा। बहुत लड़के हम लोगों के साथ जो ज्वाइनिंग किए थे ना, मतलब शुरू का एक महीने के अंदर में ही मतलब कोई कोई छोड़ के रिजाइन दे के चले गए, नहीं होगा हमसे। तो अभी वो लड़के लोग फोन करते हैं कि नहीं हम यार क्यों आ गए, हम छोड़ दिए तुम लोग का, हम लोग पासिंग आउट परेड देखा, वो लोग सोचता है क्यों हम लोग आगे रह जाते तो अच्छा रहता, तब पछतावा लग रहा अभी वो लोग को। चलो ऐसा गलती मत कीजिएगा, फिर पर कर ले का एक सोच लीजिए तो कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे थे? मे बी 36 वीक का रहता है या तो फिर 44 वीक का, ठीक है वो लोग वो डिसाइड करता है वहाँ पे। हम लोग का तो 44 वीक का डिसाइड किया गया था, लेकिन हम लोग को हुआ 36 वीक का, तब जल्दी कर दिया हम लोग को थोड़ा सा। ट्रेनिंग का पीरियड जो है वो लोग का अपना टाइम कुछ भी नहीं है, सब लोग का टाइम है। मतलब एक तो रूटीन है वो तो रहेगा, लेकिन आपको हो सकता है कुछ अलग से एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मतलब हमको तो उतना कुछ भी नहीं लगा, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, आराम से निकल गया। बस मन में थोड़ा सा ठान लेना है कि करना है तो करना है। और कुछ पूछना चाहेंगे इसके बारे में? चलिए फिर ठीक है, थैंक यू, सभी को जय हिंद।